नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच में आज डॉक्टर एक बार फिर से हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टर जो हैं वो पीजी के हैं और उन्होंने अपने विभाग के विभागाध्यक्ष पर ये आरोप लगाते हुए हड़ताल किया है कि उन्हें हटाया जाए। क्या कुछ है पूरी जानकारी हमारे सहयोगी हमारे साथ है विक्रांत, हम उनसे बात करेंगे। विक्रांत, आखिर क्या कुछ मामला है? जी बिल्कुल, ये जो पीएम सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच कहलाता है उसमें आज डॉक्टर लोग हड़ताल पर चले गए हैं। मामला कुछ अलग है। मामला ये है कि जो एचओडी जो हैं, मतलब विभागाध्यक्ष जो हैं हड्डी विभाग के, उनको हटाने की मांग किया जा रहा है, क्योंकि डॉक्टरों का आरोप है कि उन्होंने एक अपने पैड पर निजी पर्चा देकर और स्पेशल दवाई मंगाया जाता है, जो स्पेशल दुकान, जो खास दुकान है उससे मंगाया जाता है, जिसको लेकर जो पीजी के छात्र हैं, जब उन्होंने मतलब उनको रोका कि ऐसा क्यों कर रहे थे, उसके लेकर उनको 10 में से 5 छात्र को फेल कर दिया गया, जिसको लेकर एचओडी के जो एचओडी जो है विजय कुमार चौधरी जी को मतलब उनको घेराव किया गया और उनको हटाने की मांग कर बैठे, जिसको लेकर प्रिंसिपल और सहित सुपरिटेंडेंट भी मौके पर पहुंचे, लेकिन उनकी बात नहीं माने और डॉक्टर जो भी हैं सब हड़ताल पर चले गए। बिल्कुल, जिस तरीके से छात्रों का आरोप है कि उनके ऊपर कुछ ज्यादती की जा रही है, ज्यादती किस तरीके से, क्योंकि विभागाध्यक्ष जो थे वो अपने प्रिस्क्रिप्शन जो देते थे वो कुछ खास इलाज, माफ़ कीजिएगा, खास जो है दवा संस्थान है उससे मंगाने की बात कर रहे थे, हालांकि उसका छात्रों ने विरोध किया। छात्रों की बात होगी, जिस तरीके से पीएमसीएच में सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है, उसके बाद जो मरीज होते हैं या फिर जो उनके परिजन आते हैं वो बहुत पीड़ित तरीके से आते हैं, बहुत बुरी तरीके से परेशान होकर के आते हैं, लेकिन उसके बाद इस तरीके का आरोप लगा। तो विक्रांत, आगे इस पर क्या कुछ आगे देखने को मिला? जब हम लोग पीएमसीएच में निरीक्षण किए, जिस तरह से हम लोग मरीज से भी बात किए, तो मरीज ने साफ तौर पर मतलब जो डॉक्टर जो आपको एचओडी है उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए कि जो खास जो दवा है, जो महंगे दवा है, 5 से लेकर 10 हज़ार के दवा, जो खास स्पेशल एक दुकान को जो जाता है उनके नाम पे पुर्जा लिखा जाता है और बाहर से एक्सरे कराया जाता है, उसके लेकर भी मतलब काफ़ी जो मरीज और उनके परिजन हैं वो लोग भी खफा हैं। और जो आपके पीजी के जो डॉक्टर हैं और यूजीसी के जो यूजी के डॉक्टर हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा और जो फेल हुए छात्र को फिर से पास नहीं किया जाएगा, जब तक हम हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। तो विक्रांत, आपको क्या लगता है कि जो डॉक्टर जिस तरीके से बोल रहे हैं कि हड़ताल करेंगे, लंबा हड़ताल करेंगे, तो इसके बाद जो उम्मीदें बन रही है कि क्या कुछ ऐसा लग रहा है विभाग के तरफ से या विभागाध्यक्ष के तरफ से या फिर अधीक्षक आ गए अस्पताल के, तो उनकी क्या बातें आगे, उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या करेंगे? देखिए, इस जब ये जो मामला हो उसके लेकर जब हम लोग प्रिंसिपल से मिलने गए, पीएमसीएच के जो प्रिंसिपल उनसे मिलने गए, तो वहाँ के गार्ड लोग मिलने से मना कर दिए, कहें कि मीडिया का अभी कोई एंट्री नहीं, अभी अंदर में मीटिंग चल रहा है, इसको लेकर हम लोग किसी से जो भी अधिकारी से बात नहीं हो पाई है। लेकिन एक तरह से देखा जाए कि अगर डॉक्टर लोग हड़ताल पे चले जाते हैं तो मरीज को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से डॉक्टरों का हड़ताल है, पिछले कुछ महीने पहले भी हमने हड़ताल देखा था, जो हड़ताल एनआरएस को लेकर के हुआ था तब भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था मरीजों को, और एक बार फिर से आज पीएमसीएच के पीजी के डॉक्टरों ने जो हड़ताल किया है, हालांकि हड़ताल जो है इसमें काफ़ी गंभीर आरोप लगाया गया है, अपने विभागाध्यक्ष पर आरोप लगाया गया है कि वो अपनी ज़्यादती करते हैं, वो बच्चों के साथ ज़्यादती करते हैं, अगर उनको कुछ गलत काम करने में रोका जाता है तो उसको लेकर के वो अपने एक अलग मनमर्जी करते हैं, और ये मनमर्जी है उनके गलत काम को छात्र रोकते हैं तो, और इसके एवज में छात्र जब उनका विरोध करते हैं तो उनके ऊपर ज़्यादती की जाती है, उनको फेल कर दिया जाता है। आखिर जिस तरीके से आप सदन में भी देख रहे हैं कि सदन में भी स्वास्थ्य विभाग को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री या फिर सरकार को जो विपक्ष है वो आड़े हाथों ले रही है, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके की घटना सूबे के सबसे बड़े अस्पताल अगर पीएमसीएच में होती है, अगर डॉक्टरों के ऊपर किसी खास मुद्दे को लेकर, दवा मंगाने को लेकर, जो मरीज के परिजन आते हैं उनको परेशान करने को लेकर के अगर इस तरीके के मुद्दा एक बार फिर से सामने आता है, तो ये सरकार क्या पूरे महकमे को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, या फिर कह सकते हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा कर सकता है। फिलहाल इतना ही। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक लाइक करें, साथ ही अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। में से हैं जो गंभीर फेल किए हैं, ऑर्थो डिपार्टमेंट में यहाँ जबरदस्ती दवा लिखवाया जाता है, अगर जो आदमी दवा नहीं लिखा, हम उसी यूनिट से आते हैं जिस यूनिट में एचओडी है, तो उसमें बोला जाता है कि इतना दवा लिखिए, अगर दवा आप नहीं लिखते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। तो हम लोग कुछ लिखते थे कुछ नहीं लिखते थे, तो उसमें उसका उनका जो दलाल है वो उनको बता दिया और ये जबरन हम लोग को फेल कर दिया, नहीं लिखने पे ये ऐसा काम किए हुए हैं। किस कंपनी का दवा लिखने की? मेडलाइफ फार्मा का वो दवा है। तरीके का
देखिए वजह हम तो नहीं बता सकते एग्जैक्ट, लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता है कि 10 में 5 पीजी से हो गया। पीएमसीएच जैसी जगह में वर्कलोड आप बताइए, यहाँ अस्पताल 12 बजे के बाद पीजी चलाता है, कोई एसओडी नहीं, कोई सीनियर रेजिडेंट नहीं, कोई क्लास नहीं, कोई एपी नहीं, 12 बजे के बाद यहाँ का अस्पताल का सारा जिम्मेदारी पीजी के ऊपर रहता है। और इनके अलावे जाके बाहर में पढ़ाई करना, फिर इनकी दबाव कि हमें ये दवाई लिखना है, इतना टारगेट पूरा करना है, ऐसे पूरा करना है, तो हम तो रो भी नहीं सकते। हम तो रोने गए थे सर के पास कि हमें बताएं कि हमें क्यों फेल किया है। News 1 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।